नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग चल रही है, तो आपको पता ही होगा रूस से भारत तेल खरीद रहा है। इससे बहुत से यूरोपियन देश भारत से नाराज है। तेल का मुद्दा अमेरिका के साथ चल रही मीटिंग में भी उठा था और जयशंकर ने यूरोपियन संघ को क्या जवाब दिया, इस वीडियो में आगे देखेंगे। रूस से भारत के तेल आयात पर अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस पर लगे किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अमेरिका का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल मुलाकात के बाद आया है। सोमवार को हुई इस मीटिंग में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जो वार्ता हुई थी वो पॉजिटिव थी। जेन साकी से जब पूछा गया कि जो बाइडेन ने भारत पर के रूस से ज़्यादा तेल ना खरीदने का दबाव बनाया कि नहीं, तो जेन साकी ने अपने जवाब में कहा कि भारत ने अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है और अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत से दुनिया का कोई देश रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहेगा, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। मगर एक बात सोचने वाली है कि अगर भारत की जगह पाकिस्तान होता तो अमेरिका का क्या जवाब होता। इमरान खान ने एक भाषण में भारत की तारीफ करके उसका जवाब दे ही दिया था, जिसमें भारत को एक खुद्दार मुल्क कहा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी बात को बैलेंस करने के लिए जेन साकी को बोलना पड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बात का जिक्र किया गया था कि रूस से ज़्यादा आयात भारत के हित में नहीं है। ये सब बोलना पड़ता, नहीं तो सब समझेंगे कि अमेरिका भारत के सामने लेट गया है। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से कोई वादा मांगा है तो इसके जवाब में कहा कि इस पर इंडियन पॉलिटिशियन ही कुछ बोल सकते हैं। भारत तो रूस से 1-2% ही तेल खरीदता है, अमेरिका 10% तेल खरीदता है, तो किस मुंह से जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से वादा मांगेंगे। उधर विदेश मंत्री जयशंकर भी फॉर्म में थे। जब उनसे पूछा गया रूस से भारत के तेल लेने को लेकर तो उन्होंने उल्टा सुझाव दे डाला कि आपको ये सवाल भारत से नहीं पूछना चाहिए, आपका ध्यान यूरोप के देशों पर होना चाहिए। भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल खरीदता है और आगे भी खरीदता रहेगा। जयशंकर ने कहा कि नंबर्स को देखते हुए उनको डाउट होता है कि भारत जो पूरे महीने में रूस से तेल खरीदता है, यूरोपियन देश एक दिन में ही उसे खरीद डालते हैं। उनसे यूक्रेन युद्ध को लेकर पूछा गया तो जयशंकर ने कहा भारत किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है और युद्ध को हर हालत में बंद करना चाहिए, भारत हर संभव तरीके से योगदान करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी रूस और भारत की दोस्ती को समझते हुए कहा है कि भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने में लगा था, अब अमेरिका भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की इच्छा रखता है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका का दोस्ती के लिहाज से इतिहास सही नहीं रहा है। वो कभी भी अपने मतलब के लिए दूसरे देश पर प्रतिबंध लगा देता है। किसी देश को हथियारों की ज़रूरत हो तो उस ऐन वक्त पर हथियार देना बंद कर देता है। अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत फूक फूक कर करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जंग हो या कोई दूसरा मामला, रूस भारत के साथ खड़ा रहा है।